गुड मॉर्निंग गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल में हम आज बीए थर्ड ईयर की पेपर फर्स्ट की में जो अरस्तु है उसके क्रांति संबंधी विचारों के साथ में आज यहाँ पर हैं। अरस्तु ने जो क्रांति संबंधी विचार दिए हैं वो कोई ऐसे नहीं है जिसमें क्रांति का कारण प्रभाव इसकी विशेषता अर्थ बताया हो फिर क्रांति के और विचार दिए उन्होंने। अरस्तु ने जो संविधानों का वर्गीकरण किया था उस संविधानों के वर्गीकरण में उन्होंने जितनी प्रकार की शासन व्यवस्थाएं बताई थी जैसे प्रजातंत्र धनिक तंत्र कुलीन तंत्र राजतंत्र निरंकुश तंत्र ये सभी शासन व्यवस्थाओं में अपने अपने टाइम क्रांति के अलग अलग कारण होते हैं उनको उसने अलग अलग व्यवस्थाओं के साथ में अलग रूप में ही बताया है और उनको क्रांति के विशिष्ट कारण के रूप में परिभाषित किया है। तो अरस्तु ने विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति के जो विशिष्ट कारण बताए हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले आते हैं प्रजातंत्र में कि प्रजातंत्र में क्रांति क्यों होती है। अरस्तु के अनुसार संपूर्ण अर्थ में समानता की भूख प्रजातंत्र में क्रांति पैदा करने का प्रमुख कारण है। सभी लोग समान होना चाहते हैं सभी लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं ये प्रजातंत्र के अंतर्गत होता है और यही क्रांति का प्रमुख कारण बनता है। इसके अतिरिक्त प्रजातंत्र में होने वाली क्रांतियों के लिए वाग्य वीरों के उच्छृंखल व्यवहार को अरस्तु ने प्रमुख रूप से जिम्मेदार माना है। प्रजातंत्र में ये जो नेता होते हैं जिनको हम बोलते हैं नेता नगरी वो कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि जिसे जनता उनके विरुद्ध भड़क जाती है और वो क्रांति कर देती है खासकर जो धनिक वर्ग है और जनसाधारण वर्ग दोनों। ठीक है अरस्तु के अनुसार यदि ये जो नेता हैं प्रजातंत्र में सेनापति पद पर आरूढ़ हैं तो उनकी कार्रवाइयाँ प्रजातंत्र को नष्ट कर निरंकुश तंत्र को जन्म देने वाली सिद्ध होती हैं। अब आता धनिक तंत्र कि धनिक तंत्र में क्रांति क्यों होती है। जो धनिक तंत्र है उसका आधार यह सिद्धांत होता है कि जो लोग किसी एक बात में असमान हैं वे सभी बातों में बिल्कुल भिन्न हैं। धनिक वर्ग का यह असमानता का सिद्धांत अंतिम रूप से धनिक तंत्र के जीवन के लिए समय समय पर विभिन्न रूपों में संकट पैदा करता है। यानी असमानता का सिद्धांत इसमें क्रांति का कारण होता है। प्रजातंत्र में समानता की जो मांग होती है वो क्रांति का कारण होता है। इसी असमानता के आभास के कारण सरकार द्वारा जनसाधारण की उपेक्षा की जाती है एवं उचित व्यवहार किया जाता है। जब जनसाधारण की दयनीय स्थिति पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है तो शासक वर्ग के ही किसी महत्वाकांक्षी व्यक्ति को जनसाधारण का नेता बनने का अवसर सुगमता से मिल जाता है और वही क्रांति का सूत्रपात करता है। अरस्तु के अनुसार अपने न्यस्त स्वार्थों के कारण धनिक वर्ग में से ही लोग धनिक तंत्र की कब्र खोदने वाले बन जाते हैं और ऐसा देखा गया है कि धनिक वर्ग है उसके व्यक्ति जिन्हें शासन संचालन में हाथ बटाने का अवसर प्राप्त नहीं होता है वह वर्ग विरोधी बन जाते हैं। अब है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र में क्रांति क्यों होती है। अरस्तु कहता है कि कुलीन तंत्र में जनसाधारण में जब ये धारणा पैदा हो जाती है कि वे श्रेष्ठता में शासक वर्ग के अनुरूप हैं तो कुलीन तंत्र में विग्रह का समारंभ हो जाता है। इसी कुलीन तंत्र में विग्रह होने का एक अवसर उस स्थिति में भी उपस्थित होता है जब सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है तो वहाँ पर क्रांति होती है। कुलीन तंत्र का सबसे घातक शत्रु अरस्तु इस विधान में उपस्थित धनिक तंत्र के तत्वों को ही मानता है। अब आते हैं राजतंत्र के राजतंत्र में क्रांति क्यों होती है। अरस्तु मानता है कि राजतंत्र को अरस्तु उन विधानों में मानता है जिनको बाह्य कारणों से ऐसा नष्ट नहीं कर सकते। राजतंत्र एक ऐसा विधान है जिसको बाह्य कोई कारण नष्ट नहीं कर सकता एवं उसकी आंतरिक कमजोरियां ही उसके नष्ट होने का कारण बनती है। घर का भेदी ही लंका को ढाता है जिसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि बाहर से उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता घर का ही उसको षड्यंत्र रच के नष्ट करते हैं। राजतंत्र में राज परिवार में आंतरिक कलह होने पर राजा के निरंकुश बनने यानी या तो आंतरिक कलह हो जाता है अथवा राजा निरंकुश हो जाता है। निरंकुश बनने के प्रयास करने पर ही विद्रोह की स्थिति पैदा होती है। राजा द्वारा किए जाने वाले अन्यायपूर्ण अपमान एवं अन्य लोगों को पहुंचाई जाने वाली क्षति भी राजतंत्र को नुकसान पहुंचा देती है।
निरंकुश तंत्र में क्रांति या निरंकुश तंत्र में क्रांति क्यों होती है? निरंकुश तंत्र में क्रांति व्यक्तिगत स्वार्थों की असीमित रूप में पूर्ति के उद्देश्य को लेकर होती है। व्यक्तिगत स्वार्थ हैं, उनकी असीमित पूर्ति करना चाहते हैं वो लोग, इसलिए इसके विद्रोह का मुख्य कारण अन्यायपूर्ण उत्पीड़न, आतंक, अत्यधिक तिरस्कार आदि होते हैं। असहाय, अपमान, संपत्ति का हरण आदि कुछ प्रमुख प्रकार के अन्यायपूर्ण उत्पीड़न कहे जा सकते हैं। अपने परिवारजन, प्रियजन, संबंधियों आदि के साथ किए जाने वाला यौन संबंधी अपमानजनक व्यवहार निरंकुश तंत्र विधानों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अरस्तु के अनुसार घृणा तथा तिरस्कार प्रमुख रूप से घृणा और तिरस्कार प्रमुख रूप से निरंकुश तंत्र के लिए घातक प्रमाणित होते हैं। अत्याचारी जो शासक होता है वो जल्दी ही अपने विरुद्ध घृणा का वातावरण तैयार कर लेता है, जिसके परिणामस्वरूप निरंकुश शासक का पतन हो जाता है। ठीक है, अब अरस्तु ने क्रांतियों को रोकने के उपाय बताए हैं, जैसे कि संविधान के प्रति आस्था होने पर क्रांतियों से बचा जा सकता है। शासक और शासितों में अगर सद्भावपूर्ण व्यवहार रहता है तो उस शासन प्रणाली में क्रांति नहीं होती है। ठीक है, विधि का शासन अगर जिस जहाँ होता है व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन सदा अच्छा होता है, उसमें क्रांतियाँ कम होती हैं या नहीं होती हैं। समानता का व्यवहार, क्योंकि विषमता क्रांति की जननी होती है, अतः शासन का लक्ष्य सदैव समानता का व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, मध्यम वर्ग की प्रधानता, मध्यम वर्ग है, अरस्तु की मान्यता है कि मध्यम वर्ग सदा मर्यादा तथा स्वामित्व का पक्षी होता है, इसलिए उसकी प्रधानता का होना क्रांति को रोकने का सफल उपाय है। आर्थिक समानता होनी चाहिए, यानी समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता भी क्रांति का कारण बनती है, इसलिए आर्थिक समानता भी होनी चाहिए। धन का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि न तो कोई वर्ग अत्यंत धनवान बन जाए और न दूसरा वर्ग अत्यंत निर्धन। समुचित शिक्षा पद्धति की व्यवस्था शासन प्रणाली में होना चाहिए, क्यों? क्योंकि शिक्षा पद्धति उस शासन पद्धति के अनुरूप होगी तो वहाँ पर क्रांति की संभावना नहीं होती। बच्चे शुरू से ही उस प्रणाली के ढांचे में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए बच्चों को कि वे उस व्यवस्था को आदर्श मानते हुए अपना जीवन उसी के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करें। विदेशी समस्याओं की तरफ जनता का ध्यान केंद्रित करना, यानी कि किसी राज्य की आंतरिक समस्याओं की तरफ भी जनता का ध्यान होना चाहिए, और विदेशी समस्याओं के भारत से कोई राज्य आक्रमण तो नहीं करने वाला है। जब जनता का ध्यान इन तरफ होता है तो वो क्रांति की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। राज्य के पदों एवं सम्मानों का न्यायोचित वितरण होना चाहिए। राज्य के द्वारा जो पद दिए जाते हैं व्यक्तियों को और जो सम्मान दिए जाते हैं उनका न्यायोचित जो वितरण होगा तो व्यक्तियों में हीन भावना उत्पन्न नहीं होती है, असंतोष उत्पन्न नहीं होता है। परिवर्तनों पर निगरानी रखनी चाहिए। क्रांति शासन व्यवस्था तथा संविधान में परिवर्तन करती है, अतः अरस्तु ने कहा है कि राज्य को क्रांति से बचाने के लिए परिवर्तनों पर निगरानी रखनी चाहिए। जो परिवर्तन क्रांति की ओर अग्रसर होने वाले हों उन पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। इस प्रकार क्रांति से राज्य की रक्षा हो सकती है। धनार्जन पर नियंत्रण, क्रांति को रोकने के लिए अरस्तु ने शासकों के धन अर्जन पर नियंत्रण रखने की बात कही है। शासकों में परस्पर सद्भाव की भावना होनी चाहिए। ठीक है, तो ये उपाय बताए हैं क्रांति रोकने के। अरस्तु ने जो क्रांति संबंधी ये विचार दिए हैं जिसमें कारण और उपाय बताए, इनकी विशेषता यानी क्रांति संबंधी विचारों की इनके आधार पर विशेषता निकल कर सामने आती है कि अरस्तु के क्रांति शब्द का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। न केवल राज्य एवं विधान में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों को ही उसने क्रांति माना है, अपितु विधान के स्वरूप में किंचित मात्र होने वाले परिवर्तनों को भी वह क्रांति की संज्ञा देता है। दूसरा, अरस्तु ने जहाँ क्रांतियों की विशद विवेचना की है वहाँ सैद्धांतिक रूप से इस विषय पर विचार व्यक्त नहीं किया है कि प्रजा को क्रांति करने का अधिकार है अथवा नहीं। उसने हर प्रमुख प्रकार के विधान में क्रांतियों के होने के कारणों का उल्लेख किया है एवं उनके निदान का मार्ग सुझाया है, किंतु क्रांतियों के औचित्य एवं अनौचित्य पर
कोई मत व्यक्त नहीं किया है। तीसरी विशेषता है, अरस्तु के क्रांति विषय विचारों में एक तथ्य में यह स्पष्ट हो जाता है कि क्रांतियां शासक वर्ग और शासित वर्ग में पाए जाने वाले विरोध का अवश्यंभावी परिणाम है। चौथी विशेषता है, अरस्तु के विवेचन से स्पष्ट होता है कि आर्थिक विषमताएं भी क्रांति का सृजन करती हैं। पांचवी विशेषता है कि अरस्तु क्रांतियों को कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं मानता, कुल मिलाकर वह यही वांछनीय समझता है कि हर प्रकार के विधान में स्थायित्व कायम रहे। आलोचकों के अनुसार मार्क्स और लेनिन की भांति अरस्तु अपने विचारों द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन का हिमायती नहीं था, वह एक रूढ़िवादी तथा यथापूर्ण स्थिति का पोषक था, क्योंकि उसने क्रांतियों को रोकने के संबंध में सविस्तार विवरण प्रस्तुत किया है। तथापि वह तो स्वीकार करना पड़ेगा कि उसने क्रांति के कारण तथा उसके निराकरण के साधनों का ऐसा विवेचन प्रस्तुत किया है जो पूर्णतः यथार्थवादी है। फांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी।